बीजेपी प्रवक्ता शबनम पांडे हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। स्वागत है आपका एफएम न्यूज पर मैम। क्या कहेंगे आजम खान के बयान को लेकर? देखिए, ये बयान दुर्भाग्यपूर्ण ही नहीं है, आज भारत देश के सभी महिलाएं इसको सुन रही हैं। एक सशक्त नेता जयप्रदा और अभिनेत्री, जानी मानी अभिनेत्री, अगर इस दंश को झेल रही हैं और उस ऐसे नेता के लिए जो कई बार रामपुर से विधायक हो गया, और जयप्रदा जी ने अपने बयान में भी कहा कि 2009 में भी उनके साथ हुआ, तो आज प्रश्न चिन्ह केवल आजम खान पे नहीं उठता, आज प्रश्न चिन्ह उस पार्टी पे भी उठता है और उन लोगों पे भी उठता है जो चुप बैठे हैं कि क्या वो महिला सुरक्षा और महिला आरक्षण पे बात करते हुए बौने से नहीं दिखते हैं। ऐसे आजम खान को देश निकाला हो जाना चाहिए, देशद्रोह की धारा लगा के देश के बाहर फेंक देना चाहिए, चुनाव आयोग को इतना तो आपकी पार्टी की ओर से क्या कुछ मांग की जाएगी? आपकी पार्टी की ओर से जो रामपुर सीट से जयप्रदा को उतारा गया है, निर्णय लिया गया है, क्या पार्टी की ओर से यहाँ पर करती हूँ कि जी शबनम जी बोलिए, मैं महिला होने के नाते मांग करती हूँ कि चुनाव आयोग इतनी सख्त कार्रवाई करे कि जिंदगी भर ये राजनीति का मुंह नहीं देख सके। क्या राजनीति में इसलिए आते हैं ये पुरुष कि आने वाली महिलाओं का मखौल और उड़ाए? क्या ये अपनी बेटी और अपनी पत्नी और बहू के साथ यही रवैया अपनाते हैं कि अपनी पार्टी में काम करने वाली महिलाओं? चलिए शबनम जी, आपसे मैं वापस आऊंगी, जुड़ूंगी, वापस आपसे बात करती हूँ, लेकिन इस बीच दर्शकों को एक बार फिर से सुनवाते हैं कि आखिरकार क्यों हम इतना जो है इस पर बहस कर रहे हैं, आजम खान ने क्या कुछ कहा, सुनिए एक बार। मैं आपसे सवाल करता हूं कि क्या राजनीति इतनी गिर जाएगी? 10 बरस जिसने रामपुर वालों का खून पिया, लहू पिया, जिसकी उंगली पकड़कर हम रामपुर में लेकर आए, रामपुर की गलियां, रामपुर की सड़कों की पहचान कराई, किसी का कांधा नहीं लगने दिया उसके शरीर से, आप गवाही दोगे, कांधा नहीं लगने दिया, छूने नहीं दिया, गंदी बात नहीं करने दी। आपने 10 साल अपना प्रतिनिधित्व कराया, मगर आपने और मिलने क्या फर्क आए? शाबाश वालो, रामपुर वालो, उत्तर प्रदेश वालो, हिंदुस्तान वालो, उसकी असलियत समझने में आपको 17 बरस लगे। मैं 17 दिन में पहचान गया कि इनके नीचे का जो अंडरवेयर है वो खाकी रंग का है। मैं 17 दिन में पहचान तो 17 दिन में क्या कुछ पहचान गए आजम खान, ये हमारे दर्शकों ने सुन लिया होगा, लेकिन 17 सेकंड नहीं लगे आजम खान को देश की जनता को पहचानने में। हमारे साथ जो है समाजवादी पार्टी की ओर से मनोज यादव भी जुड़ चुके हैं, उनसे तमाम सवाल जवाब होंगे और जानेंगे कि क्या कुछ कहना चाहेंगे अपनी पार्टी कद्दावर नेता के बारे में। मनोज यादव जी, मैं बिल्कुल ये नहीं चाहती कि आज आपका स्वागत करूं, क्योंकि आपकी पार्टी के नेता ने जिस तरह से महिला के खिलाफ ये बयान दिया है उससे मेरा तो ये बिल्कुल भी रुख नहीं है कि आज आपका स्वागत करूं। क्या कहेंगे आप इसको लेकर? तो आपको मुझे बुलाना ही नहीं चाहिए था। बिल्कुल मनोज यादव जी, नहीं कर सकती। आप अब मुझे सवालों के जवाब दीजिएगा। चैनल पे आप बुलाने के बाद अपमानित कर रही हैं। नहीं बुलाएंगे, सवाल तो आपसे ही करेंगे ना, हम किससे सवाल करेंगे? आप मुझे सवालों के जवाब आज दीजिए, उसके बाद आपका जो जवाब होगा उसके बाद ये निर्णय होगा कि आपका स्वागत करने योग्य है, आपके पार्टी के नेताओं का स्वागत किया जाना चाहिए या नहीं। आजम खान ने जो बयान दिया है इसको लेकर आपकी पार्टी की ओर से आप क्या कहेंगे, पहले आप प्रतिक्रिया दीजिए जी। और मैं चाहूंगा कि आप शांति से मेरी बात को सुन लेंगे, इसके बाद मुझसे सवाल पूछेंगे। बिल्कुल, मैं निश्चित तौर पे इस पे चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया है और FIR भी हो गई है, और जिस केस पे FIR हो जाती है और चुनाव आयोग संज्ञान ले लेता है उस पे मुझे नहीं लगता है कि किसी पार्टी को, नेता को कुछ अपना जवाब देने का, चूंकि चुनाव आयोग तो जवाब मांग रहा है, वो आजम खान साहब को उनको जवाब देना पड़ेगा। आपको रुकना चाहूंगी, SP रामपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं शिवरी मीणा, स्वागत है FM न्यूज पर आपका, क्या कहेंगे सर? अभी चुनाव आयोग ने सख्त रुख अपनाया है, कहा है कि इस पर रिपोर्ट तलब की जानी चाहिए। मैम, हमने FST के माध्यम से मुकदमा दर्ज कर दिया है, 509 IPC और 125 लोक प्रतिनिधि अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है जी। पुलिस के द्वारा जो विधिक प्रक्रिया है उसको अपनाते हुए कार्रवाई की जा रही है।
तो अभी चुनाव आयोग ने जो रिपोर्ट तलब की है, जो रिपोर्ट मांगी गई है, तो उसके तहत अगर देखा जाए तो कार्रवाई अब आगे हो चुकी है। अभी इस कार्रवाई के तहत क्या क्या जो है ड्यूटी आपके तौर पर रहेगी? क्या सिर्फ जो बयान दिया गया है उसको खंगाला गया होगा, या जो महिला आयोग ने FIR दर्ज की है उसके अकॉर्डिंगली जो है आगे एक्शन होगा? जी हाँ बिल्कुल, जो विधिक प्रक्रिया उसी के तहत हमने FIR दर्ज कर लिया, इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ कर दी है, जो भी एविडेंस कलेक्शन है वो हमने शुरू कर दिए हैं और विधिक प्रक्रिया के तहत इसमें कार्रवाई हो रही है। जी, अगर हम इसे धाराओं के अनुसार समझे तो IPC की कौन कौन सी धाराओं के अगेंस्ट जो है ये मामला बनता हुआ नजर आ रहा है, और क्या कड़ा एक्शन हो सकता है आजम खान के खिलाफ? मैम इसमें 509 IPC की धारा के तहत मुकदमा दर्ज हुआ, साथ ही साथ लोक प्रतिनिधि अधिनियम 125 कहते इसमें मुकदमा दर्ज है। जो 509 IPC उसमें किसी महिला का अशोभनीय टिप्पणी करने के संदर्भ में मुकदमा है, और 125 जो धारा है वो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है, उसके तहत हमने मुकदमा दर्ज किया है। तो इसे ही समझ लें कि जल्दी कोई आजम खान को लेकर एक्शन हो सकता है मियां साहब? जी हाँ बिल्कुल, जो विधिक प्रक्रिया है उसको अपनाते हुए जो कड़ी कार्रवाई है की जाएगी। जी, और क्या इसका इशारा ये भी है कि आजम खान चुनाव नहीं लड़ सकेंगे अगर इसके खिलाफ अगर लगता है कि ज्यादा एक्शन जो है कड़ा होता हुआ दिखाई देता है तो चुनाव ना लड़ने को लेकर भी निर्णय ले सकता है चुनाव आयोग? मैम ये आप चुनाव माननीय चुनाव आयोग से पूछेंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि हम तो जो अपनी विधिक प्रक्रिया है उसको अपना रहे हैं, उसके तहत ही कार्रवाई जो भी जो रिपोर्ट है शिवहरी मीणा जी, जो ये रिपोर्ट है कब तक जो है सौंप दी जाएगी चुनाव आयोग को? नहीं, रिपोर्ट तो भेज दी गई है, हमारे DM साहब की ज्वाइंट रिपोर्ट चली गई है, आज हमने भेज दी है रिपोर्ट, और इसमें जो भी विधिक प्रक्रिया है उसको हम अपना रहे हैं। एक चीज और जानना चाहूंगी शिवहरी जी, क्या जो बयान दिया गया है वो बयान, क्योंकि लगातार ही कहा जा रहा है कि बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, लेकिन जो आपने इसमें जांच की गई है जिसके द्वारा पता चल पाया होगा कि आजम खान ने क्या बयान दिया है, किसके खिलाफ दिया है, कुछ पता चल पाया होगा इसके जरिए? नहीं मैम, ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, अभी हमारे पास FIR हमने दर्ज कर ली है, जो हमें तहरीर मिली है, और इन्वेस्टिगेशन के बाद भी हम कुछ ऑथेंटिक कहेंगे। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। जी शुक्रिया शिवहरी मीणा जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो आजम खान का एक और वीडियो वायरल हुआ, आपको बता दें कलेक्टर से डरने की जरूरत नहीं है आजम खान ने कहा, तो एक और वीडियो वायरल हुआ है आजम खान का, आपको बता दें इस बीच, और कहा गया है कि कलेक्टर से डरने की जरूरत नहीं है, आजम खान ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए एक के बाद एक फिर से, तो कलेक्टर से डरने की जरूरत नहीं है ये आजम खान ने कहा है। तो आजम खान का एक और वीडियो वायरल हुआ, आपको बता दें कि एक और वीडियो वायरल हुआ है आजम खान का, कलेक्टर से डरने की जरूरत नहीं आजम खान ने कहा। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रही है, हालांकि ऐसा पहली बार नहीं कि आजम खान अपने विवादित बोल को लेकर सुर्खियों में आए, उससे पहले भी कई बार आजम खान अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन इस बार घिर गए हैं आजम खान। मायावती के जूते साफ करते थे अफसर, आजम खान ने कहा। आजम खान का एक वीडियो वायरल हुआ है, क्या कुछ कहते नजर आए हैं आजम खान ये भी हम आपको बताते जा रहे हैं। तो पहली बार नहीं है कि आजम खान ने इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया हो। मनोज यादव जी, आप अपनी बात रख रहे थे, देखिए हम ये नहीं चाहे आपका अपमान करने में कोई ऐसी दिलचस्पी नहीं है, नाम किसी बड़े नेता या छोटे नेता कार्यकर्ता किसी का कोई अपमान नहीं करना चाहते किसी तरह के भी, हम आपका स्वागत करते हैं, लेकिन इस बात को समझना होगा मनोज यादव जी, अगर आपके पार्टी कद्दावर नेता किसी का अपमान करते हैं या किसी के लिए अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए क्या रुख होना चाहिए, क्या पार्टी की ओर से एक भी कोई कड़ा एक्शन होना चाहिए, भले ही वो पार्टी कोई कद्दावर नेता हो या कोई कार्यकर्ता हो, ऐसे के इन नेताओं के लिए कोई तो पॉलिसीज पहले से बननी होनी चाहिए पार्टी के अंदर। नैन्सी जी, मैं किसी एक आजम खान जी की बात नहीं करूंगा, अगर आप डिबेट का अपना प्रोस्पेक्टिव बड़ा करेंगी, दायरा बड़ा करेंगी, तो निश्चित तौर पर इस पर अच्छी बहस हो सकती है, एक घंटे का समय है। क्या आप ये बताएंगे क्या आजम खान ने एक बयान दिया, किस परिपेक्ष में दिया, वो चुनाव आयोग को जवाब देंगे, मैं उस पर बहुत बड़ी टिप्पणी नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने किसी उस लाइन में किसी का नाम नहीं लिया है और ना बीजेपी प्रत्याशी के रूप में इस बात का जिक्र किया, एक बात। लेकिन दूसरी महत्वपूर्ण बात, आप मेरी बात पहले मेरी बात आप सुन लीजिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। आपको याद होगा मैं आपको 5 बड़े बड़े उदाहरण गिना रहा हूं, अभी हाल ही में बीजेपी के विधायक है सुरेंद्र सिंह जो बलिया से बिलोंग करते हैं, उन्होंने कहा कि बड़ी औरतों का रेप कौन करता है, एक बात, बड़ी औरतों का रेप नहीं हो सकता है।
दूसरी बात उन्होंने कहा मायावती जी पे कि वो तो रंगा चुंगा के कलर लगा के वो ब्यूटी पार्लर जाके राजनीति करती हैं, वो तो बुजुर्ग हो चुकी हैं। दो बात, दिनेश शर्मा ने माता सीता को कहा कि वो टेस्ट ट्यूब बेबी हैं, जो आज जगत जननी है हमारी बीजेपी की साथी बैठी हुई है, वो भी बताएंगे माता सीता का भारतीय राजनीति में क्या। मैं मेरी बात तो नहीं, अभी नैंसी जी मेरी बातें नहीं पूरी हुई, नहीं मैं ये सवाल जो मैं कह रहा हूँ डिबेट करिए, यहाँ पर बैठी आप डिबेट करिए, आजम खान पे ना डिबेट करिए, आप सब पे डिबेट करिए, सभी पे डिबेट करिए, एक भाषा का डिबेट नहीं चलेगा। ये बताना चाहते हैं, आपसे ये बताना चाहते हैं कि किस पार्टी के नेता ने क्या कह दिया। शबनम जी मैं वापस आपके पास आऊंगी, आपके ऊपर भी बहुत से, आपकी पार्टी में भी बहुत से ऐसे नेता हैं जिन्होंने बहुत बड़े बड़े बयान दे दिए हैं और सोचते नहीं कि उन्हें क्या कहना है। लेकिन फिलहाल मैं मनोज यादव जी से बात कर रही हूँ। मनोज यादव जी, आप सिर्फ ये बताइए कि आजम खान ने जो बयान दिया है उसकी निंदा करते हैं या नहीं करते, पहले आप मुझे ये बताइए। निश्चित तौर पे अगर उन्होंने उनके लिए ये शब्द का इस्तेमाल किया है तो निश्चित तौर पे उनकी निंदा होगी और उनको उसकी सजा भी मिलेगी और मेरे ख्याल से चुनाव आयोग के समक्ष उनको माफी में मांगनी पड़ेगी। लेकिन ये बात तब होगी जब उन्होंने ये कहा, एक्सेप्ट किया कि मैंने जयप्रदा जी को लेकर कहा, तब चुनाव आयोग ने इसको लेकर बात को तलब किया है, रिपोर्ट मांगी है, एसपी ने रिपोर्ट के लिए बता दिया, अभी आपके सामने कहा है शिवानी मीणा जी ने रिपोर्ट भी भेज दी गई है, गलत है। शिवानी मीणा जी हमारे साथ जुड़े एसपी, अगर मुझे मेरे बीजेपी की काबिल साथी जो बैठी हैं, मुझे अगर एफआईआर हुई है, एक सुनने के बाद भी कहते हैं अगर और मगर, क्या उनके घर की या उनके साथ काम करने वाली महिलाओं को राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या है, क्या बोला योगी आदित्यनाथ ने कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष टोटी चोर है, आपके बीजेपी के अभी नरेश अग्रवाल ने बोला कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को बंदर का, आपके इनके 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 महासचिव है, नरेश अग्रवाल ने अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष को कहा कि वो बंदर की तरह चोर है। सही सवालों का जवाब दीजिए आप लोग। फिलहाल इस विषय मेरे संवाददाता जमील मेरे साथ लाइन जुड़ चुके हैं, मैं उनके पास जाना चाहूंगी, फिर आप दोनों के पास वापस आऊंगी। जमील, अब क्या कुछ एक्शन लग रहा है, आजम खान की मुश्किलें बढ़ने वाली है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से विवादों में घिरे रहते हैं आजम खान और आज जिस तरीके से उनके ऊपर चुनाव आयोग का शिकंजा कर सकता है और जिस तरीके से वो लगातार इस तरीके की बयानबाजी करने में लगे रहते हैं, सुर्खियों में बनने के लिए लोग कहते हैं कि इस तरीके से आजम खान शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और जयप्रदा को लेकर जिस तरीके से नाम लेकर नहीं, लेकिन हाँ उन्होंने जिस तरीके से इशारों इशारों में जयप्रदा का जिक्र करते हुए उन्होंने जिस तरीके से अमर्यादित भाषाओं का शब्दों का इस्तेमाल किया, कहीं ना कहीं ये चुनाव आयोग इसको संज्ञान में ले और इस तरीके का जो भाषाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ऐसा होना चाहिए क्योंकि चुनाव जिस तरीके से लोकतंत्र का महापर्व है और इस तरीके का मुद्दा बनाकर इस तरीके का शब्दों का इस्तेमाल करना, आरोप प्रत्यारोप लगाना, ये जायज नहीं है। चुनाव ऐसे होने चाहिए जो रोजगार, नौजवानों को रोजगार को लेकर, किसान और इस तमाम जो मुद्दे होते हैं उस पर लेकर चुनाव की जाए। जैसे चुनाव पास में आती है, फर्स्ट फेज की वोटिंग हो चुकी है, जमील वापस आपके पास आऊंगी, फर्स्ट फेज की वोटिंग हो चुकी है, वोटिंग के बाद एक के बाद पार्टीज के जो नेता हैं, बड़े बड़े जो नेता हैं, जो वरिष्ठ नेता हैं, वो कई बयान दे रहे हैं, भाषाओं की मर्यादा को ताक पर रख चुके हैं, सब कुछ भूल चुके हैं कि किसके लिए कैसी भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक ही मुद्दा है कि जातिगत राजनीति को कैसे साध लिया जाए। रामपुर में क्या वोट बैंक है वो भी आपको बताऊंगी, लेकिन मुद्दा भी फिलहाल ये है कि आजम खान जो बयान देते नजर आए हैं, अब एक्शन तो दिखाई दे रहा है। मनोज यादव जी, अगर इस तरह का बयान सामने आया, आप इसकी गंभीरता को समझ रहे हैं? जयाप्रदा को लेकर कटाक्ष करते नजर आए, इससे पहले कई बार जयप्रदा उसका पलटवार करती नजर आई, अब तो उन्होंने कह दिया कि अब मैं उनको भाई नहीं मानती हूं, मुझे समझ नहीं आता। इस बीच तस्वीरें जो है आजम खान की, वो अपने दर्शकों को दिखाएंगे। अच्छा भाई, बहुत शुक्रिया जा रहे हैं। मोहम्मद आजम खान। तो इस बीच आजम खान जो है लोगों के बीच पहुंचे हैं और कहां पर पहुंचे हैं तमाम जानकारी बताएंगे इस बीच, लेकिन अपने वापस मुद्दे पर आएंगे। मनोज यादव जी, आप इसकी गंभीरता को समझ रहे हैं, इससे पहले भी बयान दे चुके हैं जयप्रदा ने, अब तो कह दिया कि अब तो हद हो चुकी है और मुझे समझ नहीं आता कि उनकी दिक्कत क्या है, लेकिन शायद दिक्कत यही है कि वो समझ चुके हैं कि रामपुर की सीट तो उनके हाथ से जाने वाली है शायद, और यही डर है उनके अंदर सता रहा है, लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं आजम खान, और किस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं फिर तो यही समझा जाएगा।
देखिए नैन्सी जी, मैं इसकी गंभीरता को समझ रहा हूं और गंभीरता के साथ इस पर डिबेट भी करने आया हूं, लेकिन आपका चैनल शायद इस महिलाओं के सम्मान की गंभीरता को नहीं समझ रहा है, इसलिए वन साइडेड बात कर रहा है। मुझे बोलने दीजिए प्लीज, मैं उससे चला जाऊंगा इसलिए कि मुझे मेरी पूरी बात नहीं होती है। आप मुझे बोलने नहीं दे रही हैं, आरोप लगाते हैं। आप लोग बोल लीजिए, मैं बैठा सुन रहा हूँ, मान कर रहे हैं, सुन रहा हूँ, सुन रहा हूँ, बदजुबानी कर रहे हैं। बोलिए बोलिए, आपको शर्मानी चाहिए कि आप बदजुबान नेता की तरफदारी कर रहे हो, चैनल पे आरोप लगा रहे हैं। जय बताइए कैसे हुई, बार बार क्यों नजर आए कि मुझे मजबूरन शहर रामपुर को छोड़ना पड़ा, बताएं। आजम खान ये क्यों कहते हैं कि कोई गंदी बात नहीं करने दी उनके साथ, 10 साल का प्रतिनिधित्व कराया उनसे, क्या कहेंगे इसको लेकर? मैं तो ये भी कहूंगी शबनम जी, मेरा सवाल अभी मनोज जी से है, मैं वापस आपके पास कराते हूँ। नहीं तो मनोज जी से सवाल है, आपके पास जवाब आऊंगी तब जवाब दीजिएगा, तब आपके पास जवाब नहीं होगा कोई भी जी। नहीं पहले आप बीजेपी से पूछ लीजिए, मैं तब तक नहीं बोलूंगा जब तक बीजेपी के सारे सवाल जवाब। मैंने उनको चुप करा दिया, माफी चाहता हूँ, आप बीजेपी से पहले पूछे। नहीं मैंने उनको चुप करा दिया, क्या बात, मैं बोलना शुरू करता हूँ, मुझे बात नहीं पूरी की जाती है। कितने विद्वान चैनल के सारे लोगों बीजेपी के विद्वानों की मुझे पूरी बात ही नहीं होने देते, जब से मैं डिबेट में बैठा हूँ मुझे कुछ कहने ही नहीं दिया जा रहा। आप अपनी बात कहिए, मेरी बातें इतनी मिर्ची जैसी लगती है कि मुझे बात नहीं पूरी की जाती है। अब अपनी बात, मैं कह रहा हूँ एक आजम खान है, सौ बार कह रहा हूँ एक आजम खान है, बहुत पोलाइट एक आजम खान है, सवाल उठाते हो, मुद्दे को हटाइए, फिर आप बात करने दे रही है, मुद्दे को भटकाइए मत, अपनी बात को अब रख लीजिए, अपना मौका दे रही है। आप क्यों करा रही है मौका दे रही है, डिबेट महिलाओं के सम्मान हो रही है कि नहीं हो रही, ये डिबेट महिलाओं के सम्मान अपमान के लिए हो रही कि नहीं हो रही, ये बताइए। आप मुझे सवाल मत कीजिए, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए, क्या कहना चाहेंगे आप? अगर ये डिबेट महिलाओं के सम्मान के लिए कर रही हैं, सारी महिलाओं की बात होनी चाहिए, सारी महिलाओं पे बात होनी चाहिए, और आपको घुमाना तो आपसे सीखे मनोज शर्मा का भी वीडियो आना चाहिए, बातों को घुमाना तो कोई आपसे सीखे आना चाहिए, जवाब नहीं दे रहे हैं आप, वीडियो आना चाहिए, देश की जनता देख रही है और उस पे उनसे जनता देख रही है सर, सिर्फ बातों को घुमा रहे हैं आप, मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। आजम खान कैसे कह सकते हैं किसी के अंडरवेयर का कलर कैसे बता सकते हैं, वो महिलाओं के कपड़ों का रंग बताते हैं, उस नेता के साथ आप खड़े हैं और आपकी पार्टी खड़ी है, आप लोग घर भी माँ बहने हैं, कल उनके भी कपड़ों का, अरे वो मोदी के यहाँ माँ बहने बेटी नहीं है, हमारे यहाँ तो है, योगी के यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ तो है, कुछ भी वोट बैंक साधने की कोशिश करते रहिए, लेकिन देश की जनता बेवकूफ नहीं है। मनोज यादव जी, शबनम जी, आप प्लीज थोड़ी देर के लिए बताऊंगी शबनम जी का वॉल्यूम जो है डाउन किया जाए, मैं मनोज यादव जी से सवाल कर रही हूँ, उनके जवाब मुझे मिल जाने चाहिए। मनोज यादव जी अब आप जवाब दीजिए, मैंने शबनम जी का ऑडियो डाउन किया है, अब मैं चाहती हूँ जवाब दीजिए, बताइए क्या कहना चाहते हैं आप। देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं सबसे पहला मेरे जीवन का मैं व्यक्तिगत तौर पे ये बात बताऊं कि महिलाओं का सम्मान मेरा प्राथमिक सिद्धांत है, ना यश कमाना ना दौलत कमाना, तो महिलाओं के विषय में मैं जरूर बात करूंगा, लेकिन पार्टी की ओर से विचार कहां चले गए सर, छोटे दायरे में बात नहीं करूंगा। सुन लीजिए, सुन लीजिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, आप प्रेम शुक्ला बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं कहता हूं कि प्रेम शुक्ला बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उन्होंने हमारी राष्ट्रीय प्रवक्ता पंखुड़ी पाठक को कहा कि तुम्हारे जैसी महिलाएं कैसे समाजवादी पार्टी में प्रवक्ता बनती हैं, ये मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, और अभद्र टिप्पणी की, वो अब कांग्रेस में है, हमारी पार्टी में वो नहीं। एक बात, प्रियंका गांधी को बीजेपी के नेता आइटम कहते नजर आते हैं, सुरेंद्र सिंह ने कहा जो बात, मैंने फिर दोबारा मैं कह रहा हूं कि वो बड़ी उम्र की महिलाओं के साथ में, आजम खान साहब ने अगर इस बात को कहा है तो निश्चित तौर पे चुनाव आयोग को उनको जवाब देना पड़ेगा, उन्होंने सही कहा गलत कहा किसको कहा, अमर सिंह को कहा, जया प्रदा को कहा, या जिस किसी को भी कहा, उस बात को उनको जवाब देना पड़ेगा, उसमें कोई संग, अगर उन्होंने जया प्रदा जी को यह बात कही है तो निश्चित तौर पे उन्होंने गलत कहा है, क्योंकि किसी महिला को इस तरह की बात नहीं कही जानी चाहिए, पहली बात। तो आप बीजेपी के लोग ये डिबेट में इस बात को बताएं कि जो पांच पांच जो पांच पांच जो पांच पांच, अब मेरी बात को पूरा होने चाहिए, जब पांच पांच उदाहरण मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, वो बीजेपी के लोग कहें कि माता सीता टेस्ट ट्यूब बेबी थी कहने वाले उप मुख्यमंत्री को क्या सजा मिली अब तक पार्टी की तरफ से,
और तमाम सारी संस्थाओं की तरफ से कौन सी सजा मिली, एक बात। दूसरा, सुरेंद्र सिंह को कितनी सजा मिलना था, मनोज ये बताइए, नरेश अग्रवाल को कितनी सब मिले, अब तक उनको ऊपर इस सारी बातों को बताया जाए, आप ये बता रहे हैं कि जो को बताइए दूसरी पार्टी के नेता के नेताओं ने क्या कुछ कहा, आपने ये नहीं बताया कि आजम खान या अन्य कोई भी पार्टी में इस तरह का बयान देता है तो क्या एक्शन लेगी पार्टी, आपने ये नहीं बताया कि महिलाओं का अपमान होगा तो क्या पार्टी एक्शन लेगी, तो आपने ये नहीं तो बताया है कि अगर बयान में तो कोई भी लगता है चुनावी मैदान में कोई ऐसा उम्मीदवार बयान दिया उसको नहीं लड़ने दिया जाएगा, आपने नहीं बताया सर ये। मैं वापस आपके पास आऊंगी जमील, लगातार हमारे साथ बने हुए जमील, क्या कुछ लगता है कितनी कड़ी मुश्किलें होंगी यहाँ पर आजम खान के लिए, कितनी बड़ी मुश्किलें होंगी? जी बिल्कुल, जिस तरीके से आजम खान लगातार इस तरीके के बयानबाजी करते हैं, क्योंकि वो पहला वाक्य नहीं है, इससे पहले भी योगी आदित्यनाथ के अली और बजरंग बली जैसे मसले पर भी उन्होंने एक नया नारा देकर राजनीति को एक नई बहस का जन्म दिया था, उसके बाद वो देश की सुरक्षा जवानों पर भी लेकर इस तरीके से बयानबाजी किए, वो अमर सिंह और जयाप्रदा पर तो लगातार वार करते हैं, 2009 के बाद से अगर देखी जाए तो लगातार तल्खियां बढ़ी है, और ऐसे में आजम खान लगातार जयाप्रदा और अमर सिंह पर लेकर बयानबाजी करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से राजनीति में अगर जयाप्रदा को लाने वाले अमर सिंह और आजम खान हैं तो 10 साल तक वो रामपुर से वहां की सांसद रही, और आजम खान का भी यही बात कहना है कि हमने हाथ पकड़ के लाए थे राजनीति में और 10 साल की राजनीति इनको सिखाया है। तो इस तरीके से बयानबाजी करने के बाद जिस तरीके से भाई बहन का भी एक रिश्ता हुआ, रिश्ता के बाद जिस तरीके से इस तरीके का शब्दों का इस्तेमाल करना कि अंडरबियर का जो रंग है वो खाकी रंग का है, हाँ। आप 17 साल में नहीं समझ पाएंगे और हम 17 दिन में समझ पाएंगे कि आखिर वो किसके मुलाजिम है। तो तमाम चीजें हैं कि आजम खान जिस तरीके से बयानबाजी करके लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव है, ऐसे में जी जी अपनी बात पूरी करें आप। जमील आप तक आवाज पहुंची तो अपनी बात पूरी करें, अभी ये बताएं कि क्या लगता है कि चुनाव आयोग ने जब रिपोर्ट मांग ली है, रिपोर्ट भी पहुंच चुकी है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि आप चुनावी मैदान में नहीं होंगे आजम खान, ऐसा एक्शन हो सकता है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से चुनाव आयोग ने संज्ञान में लेने के बाद अब हो सकता है कि आजम खान को प्रचार प्रसार के लिए भी रोका जा सकता है, क्योंकि बयानबाजी इतने हद तक जा पहुंची है कि राजनीति जिस मुद्दे पर होनी चाहिए वो राजनीति नहीं हो रही है, विकास नौजवान की रोजगार की राजनीति होनी चाहिए, किसान की राजनीति होनी चाहिए, शिक्षा की राजनीति होनी चाहिए, स्वास्थ्य की राजनीति होनी चाहिए, लेकिन ये तमाम चीजें को छोड़कर दरकिनार कर अब वार प्रतिवार का लगातार राजनीति हो रहा है, एक दूसरे पर आरोप का राजनीति हो रहा है, तो ऐसे में अब चुनाव आयोग को संज्ञान में लेना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से ये पहला वाक्य नहीं, आजम खान कई बार ऐसे चुनावी मुद्दे जब आते हैं, चुनावी दौर जब आते हैं, चुनावी जब मेला आता है तो वो इस तरीके का बयानबाजी करते रहे नजर आते हैं। चलिए जमील वापस आपके पास आऊंगी, लेकिन आज तो यही कहेंगे कि आज तो बदजुबानी का दिन ही बन गया है, सुबह से लेकर जो है एक के बाद एक प्रतिक्रियाएं सामने आती जा रही है, मेनका गांधी वहां पर ये कहती नजर आती है कि जितने वोट होंगे उस हिसाब से आपका काम भी किया जाएगा अगर जीतते हैं, तो देखिए धमकी दी जा रही है, आप जो देश की जनता के सामने अपील करने के लिए पहुंचते हैं वोट मांगने के लिए वहां पर धमकी दे रहे हैं कि जितना जिसका जिस कैटेगरी का वोट होगा उसका काम उतना ही हिसाब से किया जाएगा, तो क्या कुछ आप दर्शाना चाहते हैं? बात सिर्फ किसी एक पार्टी की नहीं हो रही, बात उन तमाम नेताओं की हो रही है जो बदजुबानी करने से बाज नहीं आते हैं, एक के बाद एक बयानबाजी सामने आती जा रही है, चुनाव में खड़े हैं, चुनावी मैदान में, चुनावी मुद्दों पे बात कीजिए ना, कहां गए आपके मैनिफेस्टो, कहां गई महिला सशक्तिकरण की बात, कहां गई रोजगार का मुद्दा, इन तमाम मुद्दों को लेकर, विकास के मुद्दों को लेकर बहुत से राग अलापे गए थे, किसी पर कोई बात नहीं कर रहा है, सिर्फ बात हो रही है कि मुस्लिम वोट मिल जाए, दलित वोट मिल जाए, महिलाओं का वोट मिल जाए, पुरुषों का वोट मिल जाए, तो यही सवाल है और इसी को जवाब जानने के लिए मैं आई हूं। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक एके मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत है। एके मिश्रा जी क्या कहेंगे आजम खान, हालांकि पहली बार तो सुर्खियों में आए नहीं है, आप भी जान चुके होंगे किस लिए बयान जो उन्होंने दिया है, जो विवादित बयान, विवादित नहीं कहूंगी, शर्मसार करने वाला बयान जो दिया है, क्या कहेंगे इसको लेकर? बहुत कुछ कहना है नैंसी, और मनोज यादव जी से मैं पूछूंगा कि ये बचने की जो प्रवृत्ति, आप जरा ये कंफर्म करें कि आप समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता के हैसियत से बैठे हैं कि व्यक्तिगत, व्यक्तिगत तो आप बहुत इज्जत करते हैं और व्यवहारिक रूप से सामाजिक रूप से खुलेआम महिलाओं की बेइज्जती करते हैं। कुछ दिन पहले बयान चला था, मैं पक्ष विपक्ष दोनों की बात करता हूं, बीजेपी की और इनकी भी, अली और बजरंग बली, दुनिया को फर्क नजर आ गया कि अली क्या होते हैं और बजरंग बली क्या होते हैं।
आंख खोल के कान खोल के सुन लो, अली को चुनना है कि बजरंग बली को चुनना है, पहली चीज यही फर्क है। इन्होंने जो ये बयान दिया, अभी तक जितने बयान थे उसकी ये पराकाष्ठा है। इनसे जाके पूछो कौन से मदरसे में ये पढ़े हैं, वहां पे यही पढ़ाया जाता है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ये छात्र नेता थे, प्रेसिडेंट थे, वहां पे भी यही पढ़ाया जाता है। और बजरंगबली के स्कूलों में क्या पढ़ाया जाता है? एक चीज और, बहन मायावती जी के बारे में मैं बोलना चाहता हूं। बड़े स्ट्रगल से, ठीक है, राजनीतिक बयानबाजी जातिवादी जो है, बहुत स्ट्रगल से वो ऊपर आई है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार अपने डिसीजन पे फिर से निर्णय लीजिए। उन्होंने बोला था अली और बजरंग बली दोनों हमारे हैं। मैं बोलूंगा कि अब अली को हटा दीजिए। आज जया प्रदा का नंबर है, कल कौन सी महिला का होगा मुझे पता नहीं भाई, या जिसको पता है वो आके ये डाउट क्लियर करे। मनोज यादव जी क्लियर कर दे। मैं तो मनोज यादव जी को भी सलाह दूंगा कि भैया ऐसे लोगों से बचिए, प्रभु बचिए। एके मिश्रा जी, क्या मानते हैं आप, आजम खान ने, आजम खान ने क्यों ऐसा बयान दिया है? क्या डर गए हैं आजम खान? क्या वो जान रहे हैं कि वहां पर उनको हार का सामना करना पड़ सकता है? ये डरने वाले नहीं है, ये डराते हैं। देखिए दुर्दशा इस देश की देखिए, चाहे समाजवादी पार्टी, मैं बोलता हूँ तो हार का डर है क्या? नहीं, हार का डर नहीं है। पहले पहले सामाजिक आप वो देखिए, नेतागिरी तो बाद में, जितनी महिलाएं नेता, अम्मा साउथ इंडिया की इतनी बड़ी लीडर, उनके साथ अभद्रता हुई थी। हमारी 2-3 बार मुख्यमंत्री रह चुकी, भले ही वो दलित हैं, कुछ भी हैं, इन्हीं मनोज यादव की पार्टी ने क्या किया था? और इसीलिए मैं रिमाइंड कर रहा हूं, बहन जी से मेरी विनती है कि आप फिर से विचार करिए अपने डिसीजन पे समाजवादी के साथ। कहीं ये मैं सिर्फ मैं ये बोलूंगा, आज एक नेंसी किसी और महिला के साथ हुआ है, लेकिन ये गेस्ट हाउस कांड की वर्बल परिणति है। और हार का डर नहीं है, ये मैं आपको बता दूं, ये जीते या हारे जीते नेता है। लेकिन लेकिन इसको समझना ये उनके दिमाग की सोच है। ये अली और बजरंग बली के सभ्यता का डिफरेंस है। हमेशा महिलाओं को ही निशाना क्यों बनाया जाए? अली और बजरंग बली की सभ्यता में डिफरेंस क्या है, क्या सिखाया जाता है, ये मानसिकता है। आपने बहुत सारे सवाल कर दिए, मनोज यादव जैसे जवाब लेंगे, लेकिन शबनम जैसे सवाल भी लेंगे ना, क्योंकि जितनी बार जो है बीजेपी की ओर से बयानबाजी आई है उसमें भी बहुत कुछ बातें कही हैं, टेस्ट ट्यूब की बात की गई है, इसको लेकर भी जो है जवाब मांग लेते हैं। मनोज यादव जी वापस आपके पास आऊंगी, लेकिन शबनम जी क्या कहेंगी, क्या मर्यादा जो है भाषा की होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? सिर्फ अब ये एक मुद्दा नहीं है कि आजम खान ने कह दिया है तो बीजेपी इसको लेकर एतराज जताएगी, अपने पार्टी के नेताओं को भी तो सुधारिए। शबनम जी आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? लगता है उनके पास मेरी आवाज नहीं पहुंच पाई, लेकिन मनोज यादव जी अगर आप तक, चलिए रविशंकर जो है मेरे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं और मैं वापस आप लोगों के पास आऊंगी जितने भी पैनलिस्ट हैं, लेकिन रविशंकर पहले आपका रुख करूंगी। रामपुर में क्या कुछ हलचल दिखाई दे रही है, क्योंकि जब से आजम खान ने बयान दिया है सुर्खियों में है, लेकिन शर्मसार करने वाला बयान, उस मंच पर अखिलेश यादव बैठे रहे, कुछ नहीं बोले, सब कुछ सुनते रहे, अब क्या पार्टी की ओर से कोई एक्शन लिया जाएगा या अभी जो भी चल रहा है सिर्फ चुनाव आयोग या महिला आयोग ही डिसाइड करेगा? जी रंजन जी, देखिए जिस तरीके से महिला आयोग ने आपत्ति लगाई है और महिला आयोग ने ये कहा है स्पष्ट रूप से कि आजम खान का जो है चुनाव रद्द होना चाहिए, इनका पर्चा रद्द होना चाहिए, तो वहीं दूसरी ओर चुनाव आयोग ने भी डीएम से, रामपुर डीएम अंजन कुमार से स्पष्टीकरण मांगा है, जवाब मांगा है और इसकी जांच भी हो सकती है। अब कहीं ना कहीं अगर एसपी से बात की गई तो एसपी साहब ने भी इस बात का खंडन किया है। बड़ा शर्मसार विषय है, बड़ा शर्मनाक बयान है जिस तरीके से आजम खान जो है जयप्रदा जी पर सीधा सीधा निशाना साध रहे हैं। कहीं ना कहीं लग रहा है कि आजम खान जो है जयप्रदा जी से जो है देख के रामपुर में बौखलाहट में है। चलिए बौखलाहट, बौखलाहट शब्द का इस्तेमाल किया, वापस आऊंगी आपके पास रविशंकर। इसी बीच वापस अगर आवाज मेरी पहुंच रही है तो शबनम जी आपके पास आना चाहूंगी, किस तरह से लिया जाए, ना सिर्फ आजम खान के बयान को समझा जाए, लेकिन इससे पहले भी बीजेपी की ओर से भी कई जो नेता हैं वो बयानबाजी कर चुके हैं, भाषा के मर्यादा को लेकर अपनी पार्टी के अंदर भी झांकना चाहिए ना बीजेपी को? देखिए नैंसी जी, मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि सपा के प्रवक्ता उदाहरण लेके आते हैं यहाँ पे, पर मैं कहती हूँ इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा
देखिए भारत ना लेकर आया कारण आप बताएंगे, ऐसा हुआ होगा कि कोई, क्योंकि आपके पार्टी की बात हो रही तो इसका जवाब नहीं देना चाहेंगे। और वो महिलाओं के अंडर गार्मेंट्स पे बात करता है, उसकी रक्त उसको लेकर मैं सवाल कर रही हूँ और आगे भी सवाल करूंगी, लेकिन आपसे मैंने जो सवाल किया उसका जवाब दीजिए बस। मैं वही जवाब दे रही हूँ कि अगर महिला के अंडर गार्मेंट्स पे बात करने वाला कोई जनप्रतिनिधि मंच से इस बात को कहता है तो कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप उदाहरण पेश करें। और भी उदाहरण पेश करने से ज्यादा जरूरी है धृतराष्ट्र बने मुलायम सिंह यादव हो या अखिलेश जी जिनकी उंगली पकड़ के उन्होंने खंडन करता हूं बीजेपी की भाषा का, उनको आप क्या खंडन करेंगे? मुलायम सिंह यादव जी को बीच में घसीटा जा रहा है, ये गलत बात है। मैं गलत बात नहीं, मैं डिबेट में लेके आऊंगा। व्यक्तिगत लाइफ कुछ यही दिक्कत है, एक दूसरे खंडन खुद को खंडन कर लीजिए, फिर दूसरे को करिए, खंडन करिए बस, और देश की जनता सभी खंडन करेगी, खंडन करने दूसरों का बैठे हैं। शबनम जी की जया प्रदा ने क्या कुछ कहा इस बयान के बाद, वो दर्शकों को पहले सुनवाई। हम चाहते हैं कि आज देश की महिलाएं इस महाभारत के युद्ध को शुरू करें कि जो द्रौपदी से, आपको याद होगा कि 2009 में उन्हीं के पार्टी में मैं प्रत्याशी थी, और पार्टी में होते हुए भी पार्टी के जो आदरणीय मोदी जी और अखिलेश, कोई मुझे समर्थन नहीं किया था। जब मेरे ऊपर इस तरह की टिप्पणी, आजम खान साहब को ये आदत है, आदत से मजबूर है ये, अगर ये नहीं करता है तो ये नई बात होगी, लेकिन बात ये है कि इसके स्तर किस तरह का गिर गया है कि ये संविधान को, लोकतंत्र के ऊपर दर्जा उड़ा रहे, कि ये कभी सुधरेगा नहीं है। कि मैं एक महिला को, हम लोग इसको रिपीट भी नहीं कर सकते, इसको वापस हम ये टिप्पणी किया करके हम मुंह से बोल भी नहीं सकते हैं, उस तरह की जबान इन्होंने इस्तेमाल किया है इस बार, तो मतलब हद पार कर दिया। अब मेरा क्षमता खत्म, अब मेरे लिए वो कभी भी भाई नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो हमारे लिए इतना दुश्मनी बना दिया, पता नहीं मैंने उनके लिए क्या किया, मैंने ऐसे कौन सी बात कर दिया कि वो इस तरह की टिप्पणी कर रहा है, लेकिन उसके ऊपर FIR भी हुआ है। तो इसका मतलब यह है कि यह जनता तक पहुंचा है और इसको छोड़ेंगे नहीं लोग। और मैं चाहती हूं कि इसका चुनाव तो, मतलब इसका चुनाव नहीं होना चाहिए, इसको तो सुना आप सभी ने, जया प्रदा यहां पर कहती क्या कुछ कहती नजर आई हैं और दुखित हैं, यहां पर साफ दिखाई दे रहा है, उनके शब्दों में पता चल रहा है। अब उन्होंने भाई कहना भी उन्होंने कह दिया, मेरे लिए कोई भाई नहीं है, सभी रिश्ते नाते खत्म कर दिए हैं। मनोज यादव जी, अगर कोई महिला किसी व्यक्ति को, किसी पुरुष को भाई बनाती है तो उसकी जो उसका रिश्ता है बहुत पवित्र हो जाता है। अगर एक पार्टी में रहते हुए जया प्रदा ने आजम खान को कभी भाई बनाया था, जैसा कि वो खुद भी कहते हैं आजम खान, तो क्या अब नहीं लगता कि जो शब्द का इस्तेमाल किया गया है, ऐसी सोच तो शायद किसी अनजान के लिए भी रखना कोई व्यक्ति नहीं सोचता होगा, और वो तो पार्टी के कितने बड़े नेता हैं, उनको नहीं सोचना चाहिए कि मैं जनसभा को संबोधित कर रहा हूं तो इस जनसभा में मुझे किस तरह के इस भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए, या फिर आपकी पार्टी ने ये अपना लिया है कि भाई इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे या विवादित बयान देंगे तो पब्लिसिटी मिलेगी। देखिए नैंसी जी, बड़ी अच्छी बात है आपकी टीवी डिबेट में दो चीजें ब्रेकिंग चल रही हैं, वो मुझे सबसे अच्छी लग रही, जो मेरे दिल को भी तसल्ली महसूस करा रही। एक पहली खबर चल रही ब्रेकिंग कि महिला आयोग ने नोटिस जारी किया, कितना अच्छा है, ये हमारी संस्था है महिलाओं की रक्षा के लिए, नोटिस जारी कर दिया, कितनी अच्छी बात है। दूसरा मजिस्ट्रेट बात एक मिनट दूसरा चल रहा है कि मजिस्ट्रेट ने FIR कराई। अगर यही FIR और यही नोटिस जिस दिन मायावती जी पे टिप्पणी की थी कि वो किस किस तरह की हैं, कलर लगाती हैं, वो इस तरह का मेकअप कराती हैं, नहीं वो बुढ़ी हो चुकी हैं, अगर ये उस दिन हो जाता, जिस दिन माता सीता को टेस्ट ट्यूब बेबी कहा गया था, उस दिन ये राष्ट्रीय महिला आयोग अगर दिनेश शर्मा के खिलाफ खड़ा हो जाता, तो मेरे ख्याल से शायद इस तरह के बयान पुनः उनकी पुनरावृत्ति ना हो पाती। लेकिन तब बहरा हो जाता है महिला राष्ट्र आयोग, अंधा भी हो जाता है और मुंह से गूंगा तो हो ही जाता है, क्योंकि वो सत्ता दल के नहीं है ना।
अगर सत्ता दल के विपक्ष में किसी को कुछ भी तो कह दो, सत्ताधारी दल के किसी प्रत्याशी को कुछ कह दो, तो सारी संस्थाएं उसका उसकी बयान जो है ज्यादा घटिया है कि दूसरी पार्टी के नेता का बयान ज्यादा घटिया है। दुर्भाग्य, ये तो ना की जाएगी, महिलाओं का सम्मान इससे नहीं हो पाएगा, ना बढ़ पाएगा। इन किसका बयान कितने ज्यादा निचले स्तर पर अब ये तय किया जाएगा, उसके बाद जो है देखा जाएगा कि महिला आयोग कहाँ पहुंचा है। मैं बता रहा हूँ ना नैंसी, आप सुन इनके पास, अरे तो महिला आयोग उस दिन कहाँ था? सुन लो भाई, जिस दिन माता सीता अभी जया प्रदा जी ने बोला कि मैंने उनको भाई बनाया था, मैं तो जया प्रदा को बोलूंगा साहब कहाँ अली वालों की शिक्षा ही यही है, कजिन मैरिज होता है, भाई बहन में शादी होता है, तो अपनी शिक्षा अपनी योग्यता के हिसाब से उन्होंने बोला। सुनिए इतनी गंदी बात उन्होंने जो बोली है, आप पहचानिए इन लोगों को। और रही बात ये जो टेस्ट ट्यूब बेबी आप बोल रहे हैं ना सीता माता को, आप कौन से समझिए जाकर के, पहले वैज्ञानिक आप वैज्ञानिक कौन से समझिए जाकर के, क्या बकवास बातें करते हो, इतनी निर्धक बातें करके आप वहां पे क्या बोल रहे हो? एक सांसद के बारे में ऐसा बोल रहे हो, और तुम्हारे नेता वहाँ पे बैठे हुए अखिलेश यादव और इलेक्शन कमीशन को जारी करेगा, तुम्हारी पार्टी नोटिस जारी नहीं करेगी। मैं समझ पा रही हूँ आपकी भावना को, एके मिश्रा जी, मैं आपकी भावना को समझ पा रही हूँ। आपकी पार्टी नोटिस जारी नहीं करेगी, प्लीज सबसे पहले आपकी पार्टी को नोटिस जारी करना चाहिए। ये सवाल बहुत जायज है, आपने बहन मायावती जी के साथ भी किया था, सवाल बहुत जायज है, और आप दोहरा रहे हो यही चीज। एके मिश्रा जी, सवाल बहुत जायज, मायावती जी के साथ भी यही किया था आप लोगों ने, मान नहीं उस बात को। मनोज यादव जी, गुस्सा समझ में आ रहा है, क्योंकि महिलाओं को लेकर सुरक्षित नहीं है तो सड़क पे चलने वाली महिलाओं के लिए आप क्या गारंटी दो? यही सवाल है, यही सवाल है, गली और मोहल्ले में चलने वाली महिलाओं के लिए। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, आप नहीं समझदार हो, एक बार बात करते हो, अरे पहले जाके चुन्नू पर पानी में डूब मरो, तब आके बात करना। एक बार खंडन नहीं कर रहे हो कि इन्होंने गलत बोला है, इसीलिए नहीं नोटिस जारी करेगा महिला आयोग। मंच पे सारे नेता बैठे हैं, खंडन क्यों नहीं किया, माफी क्यों नहीं मांगी, और व्यक्तिगत तौर पे यहाँ आके माफी क्यों मांग रहे हो आप? मनोज यादव जी, आप बोलो ना कि मैं समाजवादी पार्टी के खिलाफ पे मांगी माफी ना होता है, आप बोलिए। एके मिश्रा जी का गुस्सा आप समझिए, क्यों इतना गुस्सा आ रहा है? महिला को लेकर हमेशा राजनीति, महिला को लेकर हमेशा बदसुबानी क्यों? एक सांसद योगी आदित्यनाथ और जया प्रदा, कोई संसद में रो रहा है, कोई सड़क पे रो रहा है, कोई टीवी पे रो रहा है, और ये लोग माफी तक नहीं मांग रहे हैं, कंडम तक नहीं कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने बड़ा एक्शन लिया। अरे आपने क्यों नहीं एक्शन लिया? एक बार शबनम जी को सुन लेते हैं, शबनम जी क्या कहना चाह रही हैं आप? निकालो ऐसे नेता को। मिश्रा जी वापस आती हूँ, शबनम जी क्या कहना चाहती हैं? माफी माफी और नोटिस से काम नहीं चलेगा, जो महिलाओं के अंडर गार्मेंट्स के कलर बताते हैं। आज न्याय यात्रा करने वाली प्रियंका जी, गेस्ट हाउस कांड झेलने वाली मायावती जी, और डिंपल जी जो कि इस पार्टी के अध्यक्ष की पत्नी है, खुलकर सामने आइए, चुप रहेगी इनको जरा समझाइए, ये भारतीय मैं सवाल कर लूं। मनोज यादव जी को आपको गुस्सा किस बात पर आ रहा है? मनोज यादव जी, गुस्सा तो हमें आना चाहिए, इनकी संस्कृति दिख रही है, गुस्सा तो हमें आना चाहिए, चोरी की जनता को आना चाहिए। आजम खान ने क्या बोला है उस बात पर विचार करिए ना, चोरी और चोरी इसी को बोला है। मैं तो कहूँगा दिखा रहे हो, चुनाव आयोग बहरा है, गुइया है, अंधा है, जो एक तरफा देखता है। मायावती जी के इतनी अभद्र टिप्पणियां करी इनके मिजाज में, अरे भूखा हो गया मैं भी बोलूंगा, बीजेपी क्यों नहीं सही बोल रहा, उनके बारे में भी अभी बोलूंगा, शांत बोलिए, बोलूंगा, बिल्कुल बोलूंगा। एक मिनट, आप चुप हो जाइए, आप सभी चुप हो जाइए प्लीज। ये बताइए कि मिश्रा जी, क्या ये तय किया जाएगा कि कौन सी पार्टी का नेता जो है किस भाषा का इस्तेमाल करेगा, ये कहां तक किस हद तक गिर जाएगा? ये तो कोई भी बोलता है तो किसी के भी खिलाफ एक्शन होना चाहिए। नैंसी, बिल्कुल तय नहीं किया जाएगा, इसीलिए मैंने एक लाइन बोली है, ये नेता लोग आपने पूछा था ना डर गए, इनको डर और इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है, चाहे बीजेपी को हो चाहे जो हो, तो डराते जनता को, डराते नहीं है। देखिए तो गांधी भी यही कर रहे हैं, नहीं नहीं, ये करते क्या है मैं बताता हूँ, ये इनको पता है संविधान में एक बार नेता बन गए ना तो इतने प्रोटेक्शन मिले हैं कि FIR हो नहीं सकती है, कोई संसद में बंदे मातरम चल रहा है तो उठ के चले जाते हैं। आयो भी नेताओं के ऊपर नेता
खिलाफ बोलने से सब सही हो जाता है। ये सही तो बोलने से 60,000 महिलाओं के खिलाफ बोल दिया एक आदमी, एक आदमी अकेले पूरे हिंदुस्तान की महिलाओं के खिलाफ बोल रहा है। कोई कुछ ना बोले, एक एक आदमी के नेता को कोई कुछ ना बोले। 120 करोड़ हिंदुस्तान के खिलाफ बोल रहा है। अकेले नहीं हो सकती है। उसने उत्पात मचा कर रखा हुआ है। पिछड़ों पे जो मर्जी हो, उसने उत्पात मचा कर रखा हुआ है। 120 करोड़ हिंदुस्तान पर वो अकेले बोल रहा है। योगी आदित्यनाथ से पूछे ना। अरे भैया मैंने बोला अली और बजरंग बली में फर्क दिख रहा है। आपने अली को चुना है तो यही सुनो, कहीं और इसको नहीं ले जाते हैं। अच्छा जी, क्या बीजेपी को लेकर बोला गया है? बीजेपी की बात सामने आएगी कि हाँ भूल गए हम पार्टी के नाम आपके पास आएंगे। मैं भी सवाल नहीं, मुझे सवाल करने दीजिए। आप सभी प्लीज शांत हो जाइए। शबनम जी जय प्रताप, अब आपकी पार्टी में हैं। आरएसएस सिखाता है परवरिश। माता सीता के स्टूप में भी थी वो, तो परवरिश आरएसएस सिखाता है। और हम ऑडियो डालते थे, पहले ईश्वर का सम्मान कर लो। देखिए मैं आप सबसे बहुत तेज बोल सकती हूँ, भक्तों भगवान मुस्लिम यूनिवर्सिटी तुम्हारे नेता पंडित जी हैं, टीका लगाते हैं, कुछ नहीं करते हैं। कहाँ जाए आपके पूर्वज रहे होते तो ऐसी गलती कदापि नहीं करते। ठीक है, अब हम इसको कृष्ण नाम ही डुबो दिया। एके मिश्रा जी चुप हो जाइए थोड़ी देर के लिए। मैं अपने मुद्दे पर वापस आ जाऊं। आती है और अपने मुद्दे पर वापस आ जाऊं। जो आने रहता है मैं उसकी तरफ से बोलूं। क्या चल रहा है एके मिश्रा जी? मैं सवाल कर लूं। जो आती है बोल रहा है उसको मैं बोल रहा हूं। क्या मनोज यादव इतनी गंदी बात कर रहा है? वीडियो दिखाऊं क्या? कौन फेवर करेगा? आज जैसे बेशर्म लोग फेवर करेंगे उस वीडियो दिखाऊं क्या? आप करिए फेवर, वीडियो दिखाऊं क्या सबको कि महिलाएं क्या रोक लगाती है? बोलिए सबको कि मैं फेवर करता हूं आजम खान को। आप बोलिए ना बेशर्मों की तरह कि मैं फेवर करता हूं इस स्टेटमेंट का। 120 करोड़ भारतीयों के ऊपर बोलिए। एके मिश्रा जी, हाँ एके मिश्रा जी बोलिए, बोलिए साहब। एके मिश्रा जी दिनेश शर्मा पे टिप्पणी करो। एके मिश्रा जी दिनेश शर्मा पे टिप्पणी करो। आप बोल दो ना कि आप फेवर करते टिप्पणी करो। एके मिश्रा प्रेम है एके मिश्रा से तो एके मिश्रा आप इस स्टेटमेंट पे टिप्पणी करो। जो मारे जनता भी तो टिप्पणी करो। ये जो मुस्लिम पुरुष करो टिप्पणी करो। क्या हुआ? हिम्मत नहीं होती है। लेकिन बयान को लेकर क्या कुछ होगा? क्या एक्शन होगा? जब मैं आपसे इतने से चुप होने के लिए क्या कह रही थी तब हम चुप हुए नहीं। अभी पर समय नहीं बचा सर, अगर बोलना चाहो तो कुछ दो सेकंड के अंदर दे दीजिए। आप दोनों को लेना चाहिए और मनोज यादव को लेना चाहिए और जया प्रदा जी को खुद आगे आना चाहिए, एफआईआर लिखवानी चाहिए। चलिए शुक्रिया आप सभी का, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यही आज की बड़ी बहस की, आखिरकार आजम खान ने इस तरह का विवादित बयान, शर्मसार करने वाला बयान दिया क्यों? और दिया है तो बुरे फंस चुके हैं आजम खान, उनके खिलाफ एक्शन होगा। लेकिन पार्टी की ओर से कोई एक्शन सामने आया नहीं है, इंतजार किया जा रहा है। लगातार तमाम खबरों पर अपडेट के साथ हम नजर बनाए हुए हैं। देखते रहिए एफएम न्यूज़।